हेलो दोस्तों, पल्लवीज फूड लाइन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दाल तड़का और जीरा राइस की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और जिसको खाकर आप बाहर की दाल तड़का और जीरा राइस खाना भूल जाएंगे। जब भी आपका मन करेगा आप घर पर ही बनाकर खा लेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप अरहर की दाल यानी कि तुअर दाल को अच्छे से वॉश कर लिया और उसे 1 से 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया। अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो दाल को ज़्यादा एक से दो घंटे के लिए सोक कर दें क्योंकि दाल अच्छे से आसानी से गल जाएगी। फिर हम इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके अच्छे से ढककर पकने देंगे। जब तक हमारी दाल गल रही है तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड किया है। फिर जब घी मेल्ट हो जाएगा तो 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैंने करी लीव्स ऐड कर दी हैं और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से क्रश करके ऐड किया है। सबको अच्छे से भून लेंगे। फ्रेश लहसुन और अदरक अगर आप कूट कर डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसमें एक प्याज को बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे और सबको अच्छे से भून लेंगे। जब ये भुन जाएंगे तब मैंने इसमें 2 टमाटर को चॉप करके ऐड कर लिया है और उसको ढककर पकने दिया है। अब हम दाल चेक कर लेते हैं। दाल को जब पकाते हैं तो उसमें एक ऊपर ये लेयर आ जाती है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक तो ये बहुत नुकसान भी करती है और अगर आप इसको हटा देंगे तो दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिससे आपकी दाल तड़का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आपको नुकसान भी नहीं करेगी। तो ये वाला पानी हटाना बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इसको अच्छे से फिर से कवर कर देंगे और जब तक दाल नहीं गलती तब तक इसको पकने देंगे। फिर हम यहाँ तड़का चेक कर लेते हैं। हमारे जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तब हम उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड की है और मैंने 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक देखकर डालें क्योंकि आपने दाल में भी नमक ऐड कर दिया है। इसको सबको अच्छे से भून लेंगे और घी रिलीज होने तक पकाएंगे। यहाँ हम दाल को चेक करेंगे। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही ऐड किया है क्योंकि मुझे ना थोड़ी ज़्यादा पकी हुई दाल अच्छी लगती है, तो मैं पानी ऐड करके अच्छे से उसको काफ़ी देर तक पकाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें तड़का ऐड कर दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैंने इसे काफ़ी देर तक फिर से पकने के लिए रख दिया था। फिर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया चॉप करके ऐड कर लिया है और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर क्या करेंगे, हम इसको और पकने देंगे। तब तक हम एक कोयले को गरम कर लेते हैं। जब वो गरम हो जाएगा तो हम इसमें इसको दाल को खोलकर एक कटोरी में करके उस कोयले को रख देंगे और उसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। इससे दाल में बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए और अच्छे से कवर कर देंगे। फिर उसको जो कटोरी है उसको निकाल कर अलग रख देंगे और हम थोड़ी सी देर और दाल पकने के बाद फिर हमारी दाल बनकर रेडी हो जाएगी। दाल तो बन चुकी है, अब हम इसमें लास्ट एक तड़का और देते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है और लंबा लंबा अदरक और लहसुन को कट करके इसको थोड़ा सा देर तक अच्छे से ब्राउन होने तक भूना है। जब ये भुन जाएंगे गैस को ऑफ कर देंगे। फिर 2 इसमें साबुत लाल मिर्ची ऐड कर दिया और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब हम दाल सर्व करेंगे ना तो उसमें दाल को सर्व करने के बाद उसके ऊपर दाल को इस तड़के से हम गार्निश कर देंगे। बिल्कुल आपको होटल वाली दाल का फील आएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको दाल टेस्टी भी लगेगी। आप चाहें तो 1-2 ड्रॉप इसमें लेमन जूस ऐड कर दें। इतनी टेस्टी दाल बनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी। चलिए अब हम जीरा राइस बनाने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने एक कुकर में 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड कर लिया है और जब वो घी गर्म हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। फिर तो मैंने 2 से 3 इलायची ऐड किए हैं, 3 से 4 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग और 2 कचपत्ता ऐड किए हैं। फिर सबको अच्छे से भून लेंगे और मैंने ना चावल को 1 घंटे के लिए सोख करके रख दिया था। यहाँ मैंने 1 कप चावल को सोख करके रख दिया था तो मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। सोख कर फिर हम इसमें पानी ऐड करके चावल ऐड कर देंगे। 1 कप पानी मैंने पहले डाला, 1/2 कप अब डाल दिया और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा सा इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे और केवल इसमें 1 सीटी लगाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगानी, केवल 1 ही सीटी लगानी है। जब वो सीटी आ जाएगी
फिर हम इसको कुकर जब पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसको खोल कर देखेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम ही कुकर खोल देंगे तो चावल उतने अच्छे से गलेंगे नहीं। तो हमारी जीरा राइस और दाल तड़का बनकर तैयार है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।